दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन मंडे का और आज डेट है 29 अप्रैल 2024। और दोस्तों टाइम हो चुका है, रात के बज चुके हैं 10। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 बज गए हैं रात के। और मैं आ गया हूँ दोस्तों राजापुरी की रेड लाइट क्रॉस कर लिए और मेरे लेफ्ट साइड में आकाश हॉस्पिटल का बैक साइड चल रहा है और मैं हूँ सर्विस लाइन पर और जा रहा हूँ घर। और लास्ट स्टॉप हुआ था एयरपोर्ट टर्मिनल वन से रैपिडो में मेरे पास आ रही थी बुकिंग सीधा कश्मीरी गेट की दोस्तों। और कश्मीरी गेट का प्राइस बड़ा अच्छा दे रहा था रैपिडो, हालांकि जहां मैं खड़ा था एग्जिट हो रहा था वहीं पे राइडर की वो दिखा रही थी। बट वो ये ना देखिए, जब घर जाने का टाइम हो जाता है ना तो फिर राइडर चाहे कितनी से बड़ी क्यों ना आ जाए पर मूड चेंज नहीं होता है। तो कई बार हो भी जाता है, पर एक मन कर रहा था कि ले लूँ, 17 किलोमीटर है, मतलब एक घंटे में छोड़ दूंगा फिर वापसी आ जाऊंगा, फिर नहीं दोस्तों वहाँ से देखिए जब एक टाइमिंग बना के चलोगे ना तो बेटर रहेगा कि भाई आपको इतने घंटे काम करना है और इतने टाइम के बाद फिर आपको अपनी फैमिली के बीच में पहुँच जाना है। तो अभी मैं सीट बेल्ट यहाँ से हटा लेता हूँ क्योंकि घर के पास में आ गया हूँ, रोड पर नहीं हूँ, बिल्कुल नॉर्मल लुक्स पे हूँ। तो मतलब वही है कि अपने टाइम से कमाए और ज़्यादा टाइम रोड पे ना दें, स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क कैसे होता है? स्मार्ट वर्क वही होता है जब आप अपना सारी चीज़ें शेड्यूल वाइज करोगे, भाई इस टाइम पे आपको ये काम करना है, इस टाइम पे इतना कमाना है, इस टाइम पे ये करना है, अपने शेड्यूल के हिसाब से जो आपके घर के काम है वो भी इंक्लूड करो। देखिए ये कमाना तो एक तरीके से लाइफ में चलता रहेगा और साथ साथ हमें अपनी फैमिली को भी लेके चलना है, साथ में उनकी भी फरमाइशें पूरी करनी है और अपनी भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। तो आज मैं मॉर्निंग में निकला था दोस्तों, तकरीबन मेरे को मतलब 9:30 बज गए थे। तो आप भी सोच रहे होंगे महेश भाई क्या कभी जल्दी निकलते हैं, कभी लेट निकलते। तो दोस्तों हमारा काम ऐसे ही है, मनमर्जी वाला काम है, बट काम को सीरियसली लोगे तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और अगर ऐसी लेट वेट जाओगे तो लेट जाने के बाद भी आपको फिर लेट तक काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी अच्छी अर्निंग होगी। अदरवाइज सुबह निकलोगे तो अगर 5 बजे तक भी दोस्तों आप निकल लिए ना, 12 बजे तक आपकी अर्निंग 2000 तक हो सकती है, डिपेंड करता है राइड आपको बढ़िया मिल गई तो, नहीं तो आप कम से कम 1500 तो आराम से निकाल सकते हो। 1500 अगर 12 बजे तक कर सकते हो तो और आगे का आपको पता ही है आप कितना कर सकते हो। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर है, आपके हाथ में, आप जितने मर्जी अर्न कर सकते हैं, बट एक लिमिटेशन होनी चाहिए मेहनत की। मेहनत ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने, भाई आपको रेगुलर करना है, आपको अपना टाइम पूरा रोड पे भी नहीं देना है, अपना ऐसा काम करो जिसमें आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाए और आप घर भी जल्दी पहुँच जाए और अपनी फैमिली के बीच भी रहें। तो मैं भी फिलहाल करता तो ऐसे ही हूँ, बट कई बार लेट हो जाता हूँ। तो लेट में फिर वही, अभी कितना टाइम हो रहा है देखिए, 10 बज चुके हैं और सुबह 9:30 निकला था, तो 12 घंटे तकरीबन दे दिए, इससे ज़्यादा नहीं देता। ठीक है, कभी कभी 14 घंटे भी हो जाते हैं, कभी अच्छी ट्रिप मिल जाती है या काम करने का जुनून हो जाता है कि रिदम में है। ठीक है, तो मतलब उसको फिर कर लेता हूँ काम, और नहीं होता तो जब ट्रैफिक में फंस जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ राइडर मिल जाते हैं जिनसे मूड हो जाता है ख़राब। तो आज हम ऐसी एक राइडर की बात मैं बताऊंगा दोस्तों उबर के बारे में ही, मतलब साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक से पिकअप था। ठीक है, सॉरी, आपका साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक पे ड्रॉप था, सैदुलरजा 5 सेंस गार्डन के वहाँ से पिकअप था। ठीक है, वहाँ पर कोई किड्स एलिया करके है तो बच्चों का है, तो 4 मैडम 3 बच्चे बैठे गाड़ी में और दिन का टाइम 2 बजे का। तो आपको पता है देखिए 2 बजे जो भी होता है धूप कितनी होती है, एसी वैगनर का आपको पता ही है। फिर भी मैंने लास्ट ईयर वैगनर में कंप्रेशर मैंने डलवाया था, रेडिएटर मैंने डलवाया था, गैस डलवाई थी, तो बहुत ही अच्छी मेरी कूलिंग दे रहा है, मतलब मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है। उसके बावजूद मैंने उनके आने से पहले मैंने एसी ऑन रख रखा था क्योंकि धूप में मैं भी खड़ा था, वेट कर रहा था, 5-6 मिनट मैंने वेट किया। तो बंदी आई आके, देखो मैंने फ़ैन की भी सर्विस दे रखी है आपके सामने, ठीक है, आके बैठी चारों और थोड़ी दूर आके, मतलब जैसे ही बैठी, बैठते के साथ ही भाई साहब
फैन की स्पीड कर दी फुल, ठीक है। उसके बाद वैगनर का इसी बड़ा कोई है यार, हमेशा मतलब वैगनर ही पता नहीं क्यों आ जाती है। तो करिए यहाँ वैगनर का ऐसी है, तो मतलब यार कोई तुम्हारी चीज़ की, देखो तुम अपने पैसे लगा रहे हो गाड़ी में और फिर उसके बाद उस चीज़ की कोई मतलब उल्टा सीधा बोले तो तुम्हें कैसे लगता है। तो मैंने उसको रिटर्न में बोला, मैंने कहा मैडम वैगनर की जो आप बोल रहे हो एसी इफेक्ट नहीं करता, तो आप ये भी तो देखो आप वो कंपेरिजन किससे कर रहे हो। कहती है मेरी घर की गाड़ी है वो तो उसका। मैंने कहा अब आप घर की गाड़ी है आपके पास हो सकता है मर्सिडीज हो, BMW हो, ठीक है, या क्रिस्टा हो, इनोवा हो, ये गाड़ियाँ होंगी, बट आप ये भी तो देखो ना उसकी रेंज और इसकी रेंज में कितना डिफरेंस है। 24-25 लाख की क्रिस्टा है, BMW लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी है, तो उनका AC बढ़िया नहीं होगा तो क्या होगा। मैंने कहा आप उस हिसाब से ये भी देखो कि आप फेयर कितना दे रहे हो। आप 110 रुपीज़ मेरे को यहाँ से स्लैक सिटी वॉक में जाने में छोड़ रहा हूँ, उसमें भी मेरे को 30% डिडक्ट करके ऊबर देगा 80 रुपये। मैंने कहा उसमें भी आपको मतलब आप चाहते हो कि पूरा का पूरा शिमला बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, मैंने बोला उनको। तो मैंने कहा आप अपनी गाड़ी का कंपेरिजन इस गाड़ी से मत करिए और आप ये भी देखिए रेट किस हिसाब से मिल रहा है। मैंने कहा आप और कंपनी मेरू वगैरह में बैठोगे ना तो 2700 रुपये किलोमीटर तो मेरू का रेट चल रहा है, 2730 भी हो गया होगा। ब्लू स्मार्ट में भी बैठोगे तो ब्लू स्मार्ट का भी रेट ऊपर से ज़्यादा ही है इस टाइम। तो मतलब मैंने मेरे को चाहता नहीं था मैं बोलना, बट जब उसने ऐसा लगा यार मैंने इतना बढ़िया एनवायरनमेंट कर रखा है, दो दो फैन लगा रखे हैं, ठीक है, आपको दिखाया था, जिस भी भाई ने नहीं देखे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फैन हैं, चलते हैं पूरा सही, जब चलते हैं बड़ी एकदम से झकास वाली कूलिंग आ जाती है दोस्तों। तो इतना करने के बावजूद भी आपको रिवर्स में ये मिलता है क्या, वैगनर का इसका इसकी ऐसे कि बोल रहे हो, हर किसी का गाड़ी से लगाव होता है, ठीक है। मैंने तकरीबन कंप्रेशर, रेडिएटर, ठीक है, गैस वगैरह ये सब लगा के 16,000 रुपये मेरे पड़ गए थे और उस दिन का पूरा नुकसान हुआ था 3,000 का मेरा, टोटल 19,000 का मेरा एक ही झटके में मतलब ये लग गए थे गाड़ी में। तो फिर इतने पैसे लगाने के बाद मतलब कोई आपको बोले तो बड़ा गुस्सा आता है। ऐसी एक आध दिन पहले भी एक राइटर मिला था, वो भी कह रहा था यार AC आपका काम नहीं कर रहा। मैं कहा भाई साहब 19,000 रुपये लगा चुका हूँ, आप क्या 19,000 इसमें लगा दिए। मैंने कहा और किस में लगाऊँ, मेरी गाड़ी है अपनी। मैंने कहा उसके लगाने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा, बट हमें तो बहुत अच्छी कूलिंग फील हो रही है, महसूस हो रही है, बट आपको नहीं हो रही है, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। तो चुप हो गया बंदा जब इसने सुना ना कि हाँ बंदे ने इतने लगा दिए, कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो मतलब कुछ भी बंदे बोल के चले जाते तो कई बार बर्दाश्त नहीं होता, कई बार पेशेंस रखना पड़ता है। तो कई बार मैं सुना देता हूँ दोस्तों, जब देखो अपने वो आ जाती है बात कि यार हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी की कोई बेइज्जती करे तो वो अच्छा नहीं होता। तो आपके साथ भी दोस्तों ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मतलब ऐसे ऐसे राइटर मिलते हैं। और अभी तो गर्मी की स्टार्टिंग पॉइंट है, अब तो स्टार्ट हुआ है, अब देखो कैसे कैसे किस किस टाइप के हमें राइडर मिलेंगे, चाहे वो घर में AC में ना बैठे हो पर गाड़ी में बैठ के तो ऐसे बादशाह बनते हैं कि बस भाई गाड़ी को बना दो शिमला मनाली और खींच के गाड़ी निकाल लो, मतलब ये, और बोलते हैं कि भैया लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए जल्दी निकाल लो। अरे यार अपना मार्जिन लेके तो चलो, घर से जब चलते हो वैसे आप जब कैब आ जाते हैं तो 5-5 मिनट तो वेट कराते हो, ठीक है, उसके बाद आपका निकलना होता है। और बैठते ही गाड़ी में आपको शिमला मनाली चाहिए, AC फुल पे चाहिए और गाड़ी भगनी चाहिए बस, चाहे चलान हमारे कितने कट जाए बस इनको उनके मंजिल तक खींच के पहुँचा दो। तो ऐसे ऐसे राइडर मिलते हैं और अभी गर्मी में दोस्तों बहुत टकराएंगे और बहुत उससे बहसबाजी भी होती है। देखिए कोशिश यही करते हैं कि ना बोला जाए, पर कई बार राइडर इतना ज़्यादा मजबूर कर देते हैं ड्राइवर को कि उसको फिर तंग आके बहस करनी पड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है
ज़्यादा कोई खास नहीं हुआ, पर जितना भी होता है आपको दिखाता जरूर हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1998 रुपये का मेरा काम है आज का। इसमें मुझे चार टोल मिले हैं, तो 400 कुछ रुपये के टोल हैं, 420 के हैं, 400 मान के चलिए, तो 400 रुपये के टोल हैं और 2000 का काम है, 2400 रुपये। 2400 रुपये का दोस्तों आज का मेरा काम है, जिसमें से मैंने CNG डलवाई थी 272 रुपये की, और परसों मैंने डलवाई थी तकरीबन 380 रुपये की। तो 272 और 380, 200, 300, 580 और आपका हो गए 150, तो 650 की टोटल CNG पड़ी थी। इसके बाद मैं अभी डलवा के आया हूँ आपका 457 रुपये की, तो 650, 457 आपका 1100, टोटल 1100 CNG लगी है। 238 किलोमीटर गाड़ी चली है और CNG मेरी तकरीबन आप मान के चलिए 600 रुपये की मेरी CNG पूरी की पूरी कंज्यूम है, तो 1100 में 600 रुपये की CNG लग गई है। तो पहले 600 रुपये निकालेंगे 2400 में से, बचेंगे 1800, 1800 में से 300 निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर इंश्योरेंस, 100 रुपये का पेट्रोल, 1500 रुपये आज की नेट इनकम है दोस्तों। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, हाँ आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की EMI निकालनी पड़ेगी, और अगर ड्राइवर हायर किया है तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी, तब तो उसके बाद आपके पास नेट इनकम आएगी। तो ये सब चीज़ें बस आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा और किसी भी ब्लॉग में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सब बस मोटा मोटा बताते हैं भाई 4000 5000, आज तो रिकॉर्ड तोड़ ये है, दबा के काम है, इतना काम है, उतना काम है। रियलिटी दोस्तों जब पता चलती है जब आप खुद रोड पे आते हो, और आज मान के चलिए 2.5 घंटा मेरा गुड़गांव में वेस्ट हुआ है। एक ट्रिप मैंने मतलब गुड़गांव गया था, तो उसके बाद 2.5 घंटे के बाद मेरे पास बुकिंग आई है, तो ये हाल भी हो जाते हैं। तो गुड़गांव जाते हो तो बी अलर्ट। एक यूनिक पॉइंट बताया था, देखे दोस्तों जाते जाते मैं कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपकी हेल्प हो। अगर आप गुड़गांव जाते हो तो सुबह 7 से लेकर 10 बजे के बीच में जाओ, और 10 बजे से ही दोस्तों वापसी हो लो। उसके बाद अगर आप गुड़गांव में टिक गए तो आप फिर वहीं के हो जाओगे, और फिर जब 3-4 घंटे खराब होते ना बंदे के, तो फिर रिदम टूटता बंदे का, फिर सोचता है चलो यार गाड़ी घुमा लो घर की तरफ, अब नहीं है, अब हो गए बर्दाश्त से बाहर। तो ऐसा फील ना हो तो उससे पहले सुबह 7 से 10 के बीच में गुड़गांव जाते हो, वापसी आ जाओ, उसके बाद 3 बजे के बाद जाओ, वो बेटर टाइम है, नहीं तो आप पूरा का पूरा दिन वहीं पे गवा लोगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक लाइक एक शेयर जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितना आप शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है मुझे, और ज्यादा भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है, कैसा काम है, एक्चुअल में क्या क्या अपडेट आती है ओला उबर में, क्या क्या दिक्कतें आती हैं ड्राइवर को चलाने में गाड़ी में। तो एक एक पॉइंट दोस्तों मैं अपनी वीडियो में रखता हूँ, तो आप भी कुछ जानना चाहते हैं मेरे से तो अपना कमेंट्स में ज़रूर मुझे करें और बताएं। अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो स्पेशली मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो आपके साथ बनाऊंगा और आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।